दोस्तों 1980 के आसपास का समय रहा जब कलकत्ता में मेट्रो आया और भारत का पहला मेट्रो ही बना था। आज हम मेट्रो में कालीघाट तरफ जा रहे हैं और ये रहा कि भारत में जिस हिसाब से मेट्रो आया था उस हिसाब से आगे बढ़ा नहीं और कलकत्ता में चल जरूर रहा लेकिन बहुत कुछ बदल गया। दिल्ली मेट्रो मुंबई आया है, इंदौर में काम चल रहा है, इंदौर में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है लेकिन फिलहाल हम कलकत्ता मेट्रो में हैं और दिखाते हैं आपको कि इसके मेट्रो की क्या स्थिति है। तो यह है कलकत्ता का मेट्रो और हम मेट्रो में कालीघाट जा रहे हैं। पूरे कलकत्ता में 2-3 दिन में आज मुझे बताया गया कि हम मास्क लगाना अनिवार्य है और हम मास्क लगा के कोरोना से लड़ रहे हैं जहाँ पूरा देश लड़ रहा है लेकिन फिलहाल कलकत्ता मेट्रो में आपका स्वागत है। तो यह है कलकत्ता का प्रसिद्ध काली मंदिर और अभी हमने दर्शन करे हैं। आम मंदिरों की तरह यहाँ भी वही सिस्टम है, लाइन में लग कर दर्शन करने का, पूजा पाठ कराने का और हमने वो प्रक्रिया का पालन करा है। इसमें यहाँ मास्क अनिवार्य था और इन दिनों कम भीड़ है क्योंकि कोरोना के बाद में भी ज़्यादा समय खुला नहीं है। और मैं एक ऐसा दृश्य देख पा रहा हूँ जो यहाँ के काली मंदिर से ताल्लुक़ रखता है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन आप समझ सकते हैं कि बलि जहाँ चढ़ती है उस जगह पर खड़ा हूँ और हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये है मेरे पास में दही बड़ा जो मैं आज यहाँ नाश्ते में ले रहा हूँ कालीघाट के प्रियंका रेस्टोरेंट में। और नई चीज़ को चखने के भी फिलहाल इसलिए इच्छा नहीं हो रही क्योंकि काफ़ी लंबा काम करना है और तीखा खाने की इच्छा नहीं है। तो ये दही बड़ा हमने लिया है और काफ़ी कुछ वैरायटी है पर, तो फिलहाल हम दही बड़ा चख रहे हैं कालीघाट के मंदिर के पास के एक रेस्टोरेंट में। कालीघाट मंदिर से दूर निकलते से ही जब आपको भूख लगती है तो इस प्रकार के दाल पूरी के आपको दिख जाते हैं। ये देखिए सज्जन खा रहे हैं, 20 रुपये में झन्नाट सब्जी के साथ में पूरी और मिर्ची के साथ चटनी के साथ में प्रभाकर जी ये दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता कलकत्ता में इससे बढ़िया नाश्ता आप कहीं ले सकते हैं।